बसमीम ये स्टूडेंट्स असल ऑन बिहाफ़ वर्चुअल यूनिवर्सिटी आई वेलकम्स अगेन टू लेक्चर नंबर ट्वेंटी एट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्कसटूडेंट्स पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एड्रेस रेजोलूशन प्रोटोकॉल या एड्रेस रेजोलूशन के कॉन्सेप्ट की बात की थी और स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि बेसिकली वट आर दिफरेंट रीजनस एक्चुअली मेकअस टू रेजोल्व आर आई पी एड्रेस इन टू द हार्डवेयर एड्रेस स्टूडेंट्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल दिस इज गोइंग टू बी आर टॉपिक ऑफ द डे आज हम इस आर्प को या ड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल को और डिटेल में डिस्कस करेंगे मैसेज फॉर्मेट्स वगैरह में आपको दिखाऊँगा और फिर हम ये देखेंगे कि किस तरह से एक आर्प मैसेज जो है दैट स्पैन योर नेटवर्क बट स्टूडेंट्स बेसिकली मूवंग बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द डिटेल्स ऑफ दिस आर्प आल गो बैक एंड लेट्स हैव अ स्मॉल रिव्यू ऑफ़ द एड्रेस रेजोल्यूशन कॉन्सेप्ट प्लस द एड्रेस रेजोल्यूशन टेक्नीस डेट वी वो इन द लास्ट लेक्चर स्टूडेंट्स पिछला लेक्चर मैंने बेसिक uh, डिफरेंट्स आपको बताया प्रोटोकॉल एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस के दरमियान और हमने ये देखा था कि प्रोटोकॉल एड्रेस और पैकेट डिलीवरी जो है ये किस तरह से हम इसको मैनेज करते हैं वेन इट कम्स टू एक्चुअली डिलेवरिंग आर पैकेट और एक्चुअली डिलीवरिंग आर डेटा थ्रू द फिजिकल नेटवर्क एक्चुअल हार्डवेयर जो हमारे पास है दैट इज अनफेमिलियर ऑफ ऑल द प्रोटोकॉल एड्रेसेज दैट यू हैव असाइंड टू दैट इंटरनेट वर्चुअल इंटरनेट ऑल द आई पी एड्रेसेज ऑल द प्रोटोकॉल एड्रेसेज दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट फॉर द लास्ट कपल ऑफ लेक्चर्स दे आर वर्चुअल इन नेचर दे आर जस्ट एन एब्सट्रैक्शन दैट इज क्रिएटेड बाई द आई पी सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स पर जो हमारा एक्चुअल फिजिकल हार्डवेयर है जब एक फिजिकल नेटवर्क के अंदर आप उस जटे को डिलीवर करना चाहें तो किस तरह से हार्डवेयर एड्रेसेस को मैप किया जाए विद द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोटोकॉल एड्रेसेस स्टूडेंट्स द टेक्निक दैट इज यूज्ड इज नोन एज एड्रेस रेजोल्यूशन एंड वी सेट वी है प्रोटोकॉल एड्रेस और वी हैव रिजॉल्व्ड आर आई पी एड्रेस इन द कॉरस्पॉन्डिंग हार्डवेयर एड्रेस स्टूडेंट्स एड्रेस रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैंने आपको बताया उसके बाद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ टेक्निक्स स्टडी की थी तीन बेसिक टेक्निक्स जो हैं उनको हम लोगों ने देखा था द फर्स्ट वन वॉज द एड्रेस रेजोल्यूशन विद टेबल लुकअप और मैंने आपको बताया था कि एड्रेस रेजोल्यूशन जिसमें हम टेबल uh, लुकअप के मेथड को जब हम यूज़ करते हैं तो वी आर डीलिंग विदल टेक्निक मीन्स एवरी कंप्यूटर इन दैट नेटवर्क विल मेनटेन इट्स ओन टेबल हर आउटर के पास एक टेबल होगा हर मशीन के पास हर कंप्यूटर के पास एक टेबल होगा एंड दैट टेबल विल एक्चुअली कंटेन ऑल द एंट्रीज द आई पी एड्रेस टू द हार्डवेयर एड्रेस एंट्रीज अगर आपको याद हो तो एक टेबल भी मैंने आपको दिखाया था पिछले लेक्चर में जिसमें हर आई एक सीक्वेंस ऑफ आई आपके पास आई एड्रेसेस थे और हर आई एड्रेस के अगेंस्ट कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका ईथरनेट 48 बिट हार्डवेयर एड्रेस जो था दैट वॉज प्रेजेंट तो टेबल वोकअप What you do is every machine actually maintains its own table, and the table contains all the IP addresses for the computers that are present inside that physical network, and it also contains the mapping for all of those machines. Use students Dusra basic method study kya that was the closed form computation. Or closed form computation again, it's a, it's a local method employed by every machine.

ये भी मैंने आपको बताया था कि क्लोज फॉर्म कॉम्पिटिशन जो है दैट इज बेसिकली यूज इन द केस ऑफ द कन्फिगरेबल हार्डवेयर एड्रेसेस स्टैटिक एड्रेसेज के केस में यू आर नॉट एलिजिबल टू एक्चुअली चेंज बोथ द आई पी ड्रेसेस एज वेल एज द हार्डवेयर ड्रेसेस लेकिन जब आपके पास कन्फिगरेबल नेचर है हार्डवेयर ड्रेसेस की तो बेसिकली यू हैव द प्रोविजन ऑफ असाइनिंग वट एवर हार्डवेयर ड्रेसेस और आई पी एड्रेसेज दैट यू वॉन्ट तो इस केस में जब हमारे पास ये नेसेसिटी ना हो कि हमारे पास फिक्स्ड हार्डवेयर एड्रेसेज हैं हमारी हमारे पास ये प्रोविजन हो कि हम अपनी मर्ज़ी से आई पी एड्रेसेज असाइन करें तो हम इस तरह के आई पी एड्रेसेज या प्रोटोकॉल एड्रेसेज असाइन करते हैं कि जिनके ऊपर छोटा या छोटे से कोई मैथमेटिकल या बोलियन फंक्शन अप्लाई करने से वी शुड बी एबल टू गेट द कॉरस्पॉन्डिंग हार्डवेयर एड्रेस छोटी सी एक एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखी थी जिसमें एक सबनेट पार्ट आपके पास था और जो होस्ट पोर्शन था उस स्पेसिफिक आईपी एड्रेस का उसको हमने कॉरस्पॉन्डिंग हार्डवेयर एड्रेस ले लिया था डॉट वन डॉट टू ऑल द वे फॉरवर्ड सिक्वेंशल होना जरूरी नहीं लेकिन जो भी आपका होस्ट पोर्शन था बट यू डिड वाज यू चोज दैट होस्ट पोर्शन ऑफ द प्रोटोकॉल एड्रेस एज द कॉरस्पोंडिंग हार्डवेयर एड्रेस और फिर एक छोटी सी हम लोगों ने मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म किया था एक एंड का फंक्शन अगर आपको याद हो कुछ हेक्साडेसिमल नंबर के साथ उसको एंड कर दिया था जीरो एक्स एफ एफ के साथ एंड वट वी गॉट वॉज वी गॉट द कॉरस्पॉन्डिंग होस्ट एड्रेस एंड दैट गेव द कॉरस्पॉन्डिंग हार्डवेयर एड्रेस स्टूडेंट्स तीसरी टेक्निक जो हमारे पास है ऑफ एड्रेस रेजोल्यूशन दैट टेक्निक इज बाई यूजिंग द मैसेज एक्सचेंज और द डायनेमिक मैसेज एक्सचेंज स्टूडेंट्स मैसेज एक्सचेंज में the basic uh, purpose of this specific the basic concept behind this specific technique is that all the hosts on the network play a role in it a distributed mechanism it just may unlike table lookup yahoo closed form computation you are not employing the techniques locally but it is a distributed kind of a mechanism where all the hosts in the network are involved so students in this technique

इट विल कंपेयर दैट प्रोटोकॉल एड्रेस टू इट्स ओन प्रोटोकॉल एड्रेस इफ दे आर डिफरेंट द रिक्वेस्ट विल बी डिस्कार आर सिमिलर तो क्या होगा कि रिस्पॉन्स एक वापस जाएगा उस कंप्यूटर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करने वाले होस्ट के पास यानी रिस्पॉन्स जो है वह ब्रॉडकास्ट नहीं होगा ओनली द रिक्वेस्ट विल बी ब्रॉडकास्टेड तो स्टूडेंट्स This was all about the techniques that we went through in the last lecture. Before so, so we start today's lecture, we a small, small summary that, we that will give us the basic salient features of each of these techniques. And then we will this discussion and we will talk about the ARP or the address resolution protocol in the TCP IP. Hey students, as you can see on the slide, on the left hand column you can see the different features and then on the right-hand side, you can actually look at the type of the address resolution, ya phir address resolution technique jo hai, that is given. Ab table mein, if you are looking at uh, T, so T is basically the table lookup. C is the closed-form computation, and D is the dynamic message exchange. These techniques wo hai jo ki humne abhi summarize kiya unko last chapter mein humne kiya tha. Uh, Students, feature is useful with any hardware so the type of resolution that fits that is the table lookup then the address change affects all hosts that is correct for table lookup because all the hosts will have to actually calculate their own table and if the address changes for any of them that will affect the table in all the machines in the network ospf protocol addresses are independent of the hardware address the student's table lookup or dynamic message exchange

यस ऑफ कोर्स डायनेमिक मैसेज एक्सचेंज जिस मैंने आपको पहले बताया कि हर डायनेमिक मैसेज एक्सचेंज का जो मैसेज है जिसमें आपको आपकी जो एक मशीन है वो रिक्वेस्ट करेगी फॉर अ रेजोल्यूशन फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल एड्रेस टू अ हार्डवेयर एड्रेस तो ये जो रिक्वेस्ट है ये ब्रॉडकास्ट होगी ऑल ओवर योर फिजिकल नेटवर्क स्टूडेंट्स दिस वॉज इट रिक्वायर्स हार्डवेयर ब्रॉडकास्ट एड्रेस एंड दैट इज द डायनामिक मैसेज एक्सचेंज उसके बाद स्टूडेंट्स adds traffic to a network again it's dynamic message exchange because her resolution Kelly dynamic message exchange ke case may her address ko resolve karne ke liye, what you are doing is uh, you are sending a request you are broadcasting a request and then a response will also come so basically what you are doing is you are adding traffic to a network in this case so the type of resolution in this case is dynamic message exchange Muskebas students produces resolution with Minimum delay, so table lookup or closed form computation because in these two techniques you don't have to do any kind of broadcast as in the case of message exchange. So these are the minimum delay techniques that we have out of three. So, students, implementation is more difficult that is in the case of message exchange. case If your hardware supports broadcast address it's perfectly fine otherwise it is very difficult to actually implement this kind of a technique in which you have to broadcast all the arp requests students yato a quick summary thi of all those techniques that we have gone through in the last lecture Ab, students kush carrying a address resolution protocol ki, arp students tcp ip jo protocol suit hai, that is basically that can use any of these three address resolution techniques that I have just discussed. Up Tino technique use that basically depends upon the addressing scheme that is used by the underlying hardware. addressing scheme use hardware usko the and based on that, if you are using TCP IP, that is a must in the case of internet, you will decide on what technique to use. स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को जनरलाइज करने के लिए द टी सी प्रोटोकॉल सूट्स इट कंटेन्स अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ अ प्रोटोकॉल दैट वी कॉल एज द एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल या फिर आर्प स्टूडेंट्स आर्फ प्रोटोकॉल जो आपका है दैट एक्चुअली टॉक्स अबाउट टू टाइप्स ऑफ मैसेज दो हमारे पास मैसेज की टाइप्स हैं द फर्स्ट वन इज आई रिक्वेस्ट And the second one is a response. So, whenever a machine needs a resolution from a protocol address to a hardware address, then a request message is made, and that will go from that specific host to all the machines on the network. As so, I told you earlier, it's going to be a broadcast address. So, it is broadcast to all the hosts on the network, and then every host will take out

और रिस्पॉन्स के अंदर ना सिर्फ आईपी एड्रेस मौजूद होता है बल्कि उसमें आपका जो रेसिपिएंट है इट आल्सो प्रोवाइड्स यू विद द कॉरेस्पॉन्डिंग हार्डवेयर एड्रेस स्टूडेंट्स ये आर्फ या एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है दिस इज व्हाट वी यूज टू एक्चुअली रिजॉल्व एड्रेस इन द केस ऑफ टी सी प्रोटोकॉल सूट स्टूडेंट्स आर्फ मैसेज जो आपका है किस तरह से ये बेसिकली ट्रेवल करता है आरप मैसेज की ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है इसको हम लोग देखेंगे अभी स्लाइड में जाके थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको दे दूं आरप मैसेज इज बेसिकली सपोज टू गो इनसाइड अ हार्डवेयर फ्रेम हर अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी एक स्पेसिफिक फ्रेम टाइप एक स्पेसिफिक फ्रेम लेंथ जो है वो मुन करती है ये हम लोगों ने डिस्कस किया था वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेम एस्पेक्ट ऑफ द डाटा हर अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी के फ्रेम के अंदर आपकी आर रिक्वेस्ट जो है वो इनकेप्सुलेट होगी एंड देन इट विल गो फ्राम सेंडर टू ऑल द ऑन द फिजिकल नेटवर्क रिस्पॉन्स जो है इसी सूरत में हार्डवेयर फ्रेम के अंदर रिस्पॉन्स मौजूद होगा आई पी एड्रेस होगा कारस्पॉन्डिंग हार्डवेयर एड्रेस होगा एंड इट विल गो बैक फ्राम अ स्पेसिफिक कंप्यूटर टू द ओरिजिनल सेंडर के जिसने वो रिक्वेस्ट जो है वो भेजी थी स्टूडेंट्स स्लाइड की जाने पर चलते हैं एंड लेट्स हाउ दिस एक्चुअली टेक्स प्लेस इन अटवर्क स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्लाइड में आरप मैसेज डिलीवरी तो इस केस में ये देखें कि तीन डिफरेंट जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं और फर्स्ट सीना बट वी आर एक्चुअली डूइंग आउट हेयर एज के डब्ल्यू द मशीन डब्ल्यू दैट इज प्रेजेंट इन योर नेटवर्क दिस डब्ल्यू वॉन्ट्स एंड एड्रेस रेजोल्यूशन फॉर द प्रोटोकॉल एड्रेस ऑफ वाई ऑन द नेटवर्क ये दो मशीन्े पास मौजूद हैं एक डब्ल्यू और एक वाई और डब्ल्यू को रिजॉल्व करना है वाई का आई पी एड्रेस इन टू द कॉरस्पॉन्डिंग हार्डवेयर एड्रेस स्टूडेंट्स पहले केस में ये देखें कि आपका जो डब्ल्यू है वॉट इट डज इज इट ब्रॉडकास्ट द आर्प रिक्वेस्ट एड्रेस रेजोलूशन प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट टू ऑल द मशीन्स ऑन द नेटवर्क यानी डब्ल्यू जब ये रिक्वेस्ट को ब्रॉडकास्ट करेगा तो ये वी के पास भी जाएगा एक्स वाई और जेड के पास भी सब मशीन्स इस रिक्वेस्ट को रिसीव करेंगी एंड यू कैन एक्चुअली सी इट ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस फिगर जिसमें देखें कि सब मशीन्स जो हैं उनके पास ये डब्ल्यू से रिक्वेस्ट ओरिजिनेट हुई एंड देन इट व मशीन्स इट इज़ ब्रॉडकास्टेड टू ऑल द होस्ट ऑन दैट नेटवर्क स्टूडेंट थर्ड केस में यह देखें कि जब ये रिक्वेस्ट सब मशीन्स के पास जाएगी तो जैसे मैंने आपको पहले बताया सारी मशीन्स उस रिक्वेस्ट के अंदर मौजूद प्रोटोकॉल एड्रेस को अपने प्रोटोकॉल एड्रेस के साथ मैच करेंगी इफ़ दैट इज डिफरेंट दे विल स्ट्रेट वे डिस्कार्ड दैट रिक्वेस्ट अदरवाइज वट दे विल डू इज एज वी हैव डन इन द केस ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस फिगर आप ये देखें कि चूंकि वो रिक्वेस्ट वाई की मैपिंग के लिए थी वाई की बाइंडिंग के लिए थी वाई ने उस रिक्वेस्ट को रिसीव किया और इस रिक्वेस्ट के अंदर प्रोटोकॉल एड्रेस को देखा दैट वॉज वाइज प्रोटोकॉल एड्रेस उसने एक रिस्पॉन्स क्रिएट किया रिस्पॉन्स के अंदर उसने क्या किया कि उस प्रोटोकॉल एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसका अपना हार्डवेयर एड्रेस था उसको बाइंड कर दिया वंस इट इज बाइंडेड इट्स स्ट्रेट वे सेंड दिस बाइंडिंग डायरेक्टली बैक टू द होस्ट डब्ल्यू स्टूडेंट्स एज अपोज टू ब्रॉडकास्ट इन द केस ऑफ रिक्वेस्ट मैसेज जब आपका रिस्पांस आएगा तो दैट विल कंटेन अूनिकास्ट मैसेज यूनिकास्ट का मतलब क्या है कि वाई से स्ट्रेट जो आपका रिस्पांस निकला है दैट विल गो डायरेक्टली टू होस्ट या फिर मशीन डब्ल्यू इन दिस केस इट इज़ नॉट गोइंग टू गो टू ऑल द मशीन्स इन द नेटवर्क यानी रिक्वेस्ट आपकी ब्रॉडकास्ट होगी और रिस्पॉन्स जो है वह आपका यूनिकास्ट होगा टू अ स्पेसिफाइड मशीन दैट इज एक्चुअली रिक्वेस्टेड फॉर दैट बाइंडिंग स्टूडेंट्स दिस इज हाउ द द आरप मैसेज डिलीवरी एक्चुअली टेक्स प्लेस सिनेरियो आपने देखा ब्रॉडकास्ट और यूनिकास्ट का स्टूडेंट्स आरप मैसेज फॉर्मेट इसको कुछ थोड़ा सा देखेंगे कि जब हम एक आरप मैसेज फ्रेम के अंदर इनकेप्सुलेट करके भेजते हैं तो उस आरप मैसेज के अंदर कौन सी डिफरेंट फील्ड होती हैं अब स्टूडेंट्स आर्प मैसेज जो है इट इज

In these two cases, when you are actually resolving an IP address, a 32-bit IP address to a 42, 48-bit Ethernet address, you know the exact length of each of these addresses. So when the designers actually created this ARP message, they knew that with the time passes on, new network technologies will come in. So what happened is that message is सिर्फ आईपी और इथरनेट की एक स्पेसिफिकेशन से बचाने के लिए सिर्फ स्पेसिफाई करने के लिए कि ये आईपी टू इथरनेट जो बाइंडिंग है सिर्फ यही कर सकता है वट दे हैव डिवेलप अ जर्नरल आर्प मैसेज एक जनरल सा आर्प मैसेज का फॉर्मेट जो है वो दे दिया गया है और उसमें ये प्रोविजन रख दी गई है कि जिस मर्जी लेंथ का जिस स्पेसिफिक लेंथ का प्रोटोकॉल एड्रेस हो जिस स्पेसिफिक लेंथ का आपके पास हार्डवेयर एड्रेस मौजूद हो बट यू कैन डू एज यू कैन ऑलवेज स्पेसिफाई दैट लेंथ एंड देन यूज द आर्प मैसेज टू गेट योर बाइंडिंग तो हमारा जो आर्प मैसेज है दैट इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर आई पी टू इथरनेट बाइंडिंग यू कैन यूज इट जनरली फॉर एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ बाइंड दैट यू आर यूजिंग इन यूर नेटवर्क बट यू हैव टू स्पेसिफाई द प्रोटोकॉल एड्रेस टाइप

पांच लाइंस जो पहली पांच लाइंस हैं वो आपको नज़र आ रही हैं एंड दे जस्ट गिव यू द डिटेल अबाउट द टाइप्स लेंथ द सेंडर हार्डवेयर एड्रेस एंड देन द टारगेट हार्डवेयर एड्रेस तो आपके पास ये मैसेज जो है एवरी लाइन एक्चुअली कंटेंस 32 बिट्स और इस केस में ये 32 बिट्स जो हैं दे टेल यू द स्पेसिफिक्स ऑफ द प्रोटोकॉल एड्रेस एंड द हार्डवेयर एड्रेस दैट यू आर यूजिंग स्टूडेंट्स ये देखिएगा कि हार्डवेयर पहली लाइन में यू हैव टू ऑप्टेट्स बेट्स नंबर जीरो टू फिफ्टीन एंड दे आर स्पेसिफाइड फॉर हार्डवेयर एड्रेस टाइप देन यू ऑल्सो हैव द प्रोटोकोल एड्रेस टाइप तो ये दोनों फील्ड हमारे पास मौजूद हैं टाइप फील्ड्स जिसमें आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो हार्डवेयर एड्रेस या जो प्रोटोकॉल एड्रेस आप यूज कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिक टाइप क्या है आपके पास Similarly, students, you also have the hardware address length and the protocol address length. Our students, type ke case mein, if you are uh, working with Ethernet, if ARP is used in the case of Ethernet, so the hardware address type will be set to one. Similarly, in this case, your protocol address type hai, that will contain the hexadecimal eight zero zero. यानी जीरो एक्स जीरो एट जीरो जीरो वेन आर्प विल बी यूज बाई आई पी तो आप ये देखेंगे प्रोटोकॉल एड्रेस अगर आप बाइंडिंग जो कर रहे हैं आर्प को यूज करते हुए दैट इज फ्रॉम आई पी टू इथरनेट तो प्रोटोकॉल एड्रेस टाइप विल बी सम स्पेसिफिक टाइप दैट इज बेसिकली फॉर आई पी मैंने बताया आपको हैगजा डेमल जीरो एट डबल जीरो सिमिलरली द हार्डवेयर एड्रेस टाइप फॉर इथरनेट इट इज गोइंग टू बी वन उसके बाद स्टूडेंट्स सेकेंड पेयर ऑफ फील्ड जो आपके पास है वो है हार्डवेयर एड्रेस लेंथ And protocol address length. Students, these length fields. Hain, they actually specify the number of octets in the hardware address and the protocol address. Uske baad, you have the operation. Uh, students, the operation field jo hai, that will be that can contain the values one or two based on whether this ARP message is a request or a response. If this ARP message jo hai, it is a request that is actually requesting

रेसिपियंट जिसको हमने इस मैसेज फॉर्मेट में टारगेट का नाम दिया है रेसिपियंट जो आपका है दैट इज गोइंग टू बी योर टारगेट तो आप ये देखें कि सेंडर हार्डवेयर एड्रेस सेंडर प्रोटोकॉल एड्रेस सेंडर प्रोटोकॉल एड्रेस के लास्ट टू ऑप्टेक्ट फिर टारगेट हार्डवेयर हार्डवेयर एड्रेस एंड सिमिलरली टारगेट प्रोटोकॉल एड्रेस ऑल दीज फील्ड्स एक्चुअली टॉक अबाउट टू बाइंडिंग नंबर वन फॉर देंडर नंबर टू फॉर द रेसिपियट दैट वी हैव कॉल्ड द टारगेट इन दिस केस हा स्टूडेंट्स जब एक रिक्वेस्ट भेजी जाएगी व्हेन दिस आर्प मैसेज विल बी यूज्ड एज अ रिक्वेस्ट तो उस केस में क्या होगा कि द सेंडर विल नॉट नो द टारगेट्स हार्डवेयर एड्रेस इसी हार्डवेयर एड्रेस के लिए तो बेसिकली आप आर्प को यूज कर रहे हैं बिकॉज यू डोंट नो द रेसिपियंट्स और द टारगेट्स हार्डवेयर एड्रेस यू आर यूजिंग आर्प टू रिजॉल्व दैट तो जब रिक्वेस्ट जा रही होगी तो टारगेट के हार्डवेयर एड्रेस फील्ड जो है दैट विल बी फिल्ड विद ऑल जीरोज and the reason for that is because the contents are not used in the, in the request case. student's response ke case may drop key target binding hai, that will actually refer to the initial computer that has sent the request. or this case may drop key target information the response ke case mein, that will also serve no purpose. so an interesting feature, tha, basically in this ARP message format, whether you have a specific binding or you don't have it, that will contain the target hardware address in it. If you use it, well and good. If you are not using it, you will fill it with zeros, and that will show that the contents in this specific case are not used. Now, students, I have told you that this ARP message, is the format you are seeing now, when you are actually sending this ARP message from one computer to the other. So, this actually travels inside the hardware frame. And uh, technically, when you actually place a message inside a frame for transport, so what you call it, you call this process as encapsulation, or an ARP message is encapsulated inside the hardware frame. So, students ugly slide and uh, you can actually see how do you encapsulate. दिस आर्प मैसेज इन साइड द हार्डवेयर फ्रेम स्टूडेंट्स दिस फिगर दिस इज एन इलेट्रेशन ऑफ द आर्प मैसेज इनकेशन का प्रोसेस जो है वो शो हो रहा है और आप ये देखें कि आपका पूरा का पूरा जो आर्प मैसेज है जिसका फॉर्मैट मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया दिस होल आर्प मैसेज इट ट्रेवल्स इन साइड द डाटा एरिया जो आपके फ्रेम का डाटा या पे लोड एरिया है उसके अंदर आप इस आर्प मैसेज को इनकेप्सुलेट कर देंगे एंड देन इट विल ट्रेवल इन साइड दैट डाटा एरिया और हर जो आपका नेटवर्क हार्डवेयर है हर होस्ट का जो नेटवर्क हार्डवेयर है उसको कोई एक्सेस नहीं होगी इस ऑर्प मैसेज तक द ओनली थिंग दैट दे केन सी इज द फ्रेम हेडर स्टूडेंट याद करें कि दिस स्ट्रक्चर ऑफ एन हार्डवेयर फ्रेम दिस इज द सेम स्ट्रक्चर दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द इनिशियल लेक्चर जब हम लोग एक फ्रेम फॉर्मेट की बात कर रहे थे तो एक जनरल फ्रेम का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होता है Okay, you have a frame header then you have the frame uh, data area your payload area and then in the end you have a crc so arp co-pegasic layer you will encapsulate this full message inside this data area and then you will send it towards the intended recipient uh, students this is how your arp message actually travels inside the frame actual hardware frame students identify kis कि आपके पास आरप फ्रेम जो है वो आ रहा है हाउ डज अंप्यूटर नो वेदर द इनकमिंग फ्रेम इज एन आरप फ्रेम तो स्टूडेंट्स देर इज अफिक टाइप ऑफ आरप फ्रेम्स और आपके एक्चुअल हार्डवेयर फ्रेम के जो header portion है पोर्शन है फ्रेम हेडर जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी दिखाया उस फ्रेम हेडर के अंदर जो आपकी टाइप फील्ड है दैट टाइप फील्ड विल कंटेन अ स्पेसिफिक नंबर एंड दिस नंबर इज गोइंग टू टेल द रेसिपियंट दैट This specific hardware frame contains the ARP message. Students, slide, and we are going to talk about how this type field actually looks like when you are working with an ARP message. Students, as you can see on the slide, identifying ARP responses or a header job frame that is open now. so they can that other than the CRC, there is the same. फिगर एज द लास्ट वन सिर्फ इस केस में हमने जो फ्रेम का हेडर है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है नाउ इट्स शोइंग द्री फील्ड इन साइड हेडर द फर्स्ट वन इज द एड्रेस द सेकेंड वन इज सोर्स एड्रेस एज यू एज यू हैव इन योर हार्डवेयर फ्रेम और इसके बाद आपके पास एक फ्रेम टाइप फील्ड है स्टूडेंट इस केस में आप ये देखें कि आपकी फ्रेम टाइप फील्ड जो है अकॉर्डिंग टू द इथरनेट स्टैंडर्ड The type field in an Ethernet frame is carrying an ARP message and it should contain the hexadecimal value 806. Now, students, whenever a computer actually receives an incoming frame that will contain an ARP message, so what do check? type field check is frame, which I you earlier that frame, which is data area, hai, in that data area, you are not going to have any access to it. So basically,

जो आर्प मैसेज इस फ्रेम के अंदर आपको आया है या एक कंप्यूटर तक पहुंचा है दैट इज आ रिक्वेस्ट और आ रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स दैट यू कांट फाइंड आउट बाय जस्ट एग्जामिनिंग द टाइप फील्ड बिकॉज सब इथरनेट एड्रेसेस, सब इथरनेट फ्रेम्स के केस में इफ दे आर यूजिंग एन आरप, दिस विल बी सेट टू अग्जा डेमल एट जीरो विल टेल यू इट्स एन आर्प मैसेज अगर आप ये चेक करना चाहें के वेदर इट्स अ रिक्वेस्ट और अ रिस्पॉन्स तो यू हैव टू गो इन साइड द द आर्प मैसेज यानी डाटा एरिया जो आपका है एंड यू हैव टू लुक एट द ऑपरेशन फील्ड अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको आर्प मैसेज फॉर्मेट दिखाते हुए एक फील्ड दिखाई थी डेट वॉज द ऑपरेशन फील्ड और आपको यह बताया था कि दैट विल बी सेट टू वन इफ इट्स अ रिक्वेस्ट आरप रिक्वेस्ट एंड विल बी सेट टू टू इफ इट्स एंड आर रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स दैट ऑपरेशन फील्ड Inside the data area of the frame in the ARP message that will tell you whether you are working with the ARP request or the ARP response. Uh, students, after looking into this, this whole ARP message format or ARP message delivery, and then how it actually travels inside the hardware frame, core concept, and that is the caching of your ARP responses. Students, जब भी यू हैव टू एक्चुअली परफॉर्म अ बाइंडिंग जैसा कि हमने एक एग्जांपल में भी देखा कंप्यूटर W था हमारे पास एंड इट एक्चुअली वांटेड अ आईपी टू हार्डवेयर बाइंडिंग फॉर अनदर मशीन दैट इज अब अफ्टर इस केस में आप ये देखेंगे जस्ट टू रिसीव वन बाइंडिंग हाउ मच ट्रैफिक डू वी जनरेट ऑन आर नेटवर्क डब्ल्यू सबसे पहले एक रिक्वेस्ट बनाएगा एंड देन इट सेंड्स दैट रिक्वेस्ट इट ब्रॉजकास्ट दैट रिक्वेस्ट टू ऑल द मशीन ऑन द नेटवर्क कितनी ज्यादा ट्रैफिक जनरेट हुई देन द मशीन दैट हेज एक्चुअली बीन रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड दैट बाइंडिंग विल डू इज इट विल प्रोवाइड दैट बाइंडिंग इन द फॉर्म ऑफ रेस्पॉन्स बैक टू डब्ल्यू फिर दोबारा एक एडिशनल हमारे पास जो है वो ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क स्टूडेंट्स हाउ डू वी एक्चुअली डील विद दिस सिचुएशन दर इज अ स्मॉल मेथड एंड वट डू वी डू इज वी स्टोर The bindings that we receive in the responses temporarily inside a cache. Of these bindings are not permanently stored and they do not uh, just stay there forever. What happens is they are stored once you receive a response, the computer will save that binding inside its memory. And that storage is just temporary storage. Once you uh, actually रन आउट ऑफ द स्पेस इन दैट मेमरी तो आप क्या करेंगे कि जो सबसे पुरानी आपके पास बाइंडिंग मौजूद होगी आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे और उसकी जगह एक नई बाइंडिंग जो है वो कैशे में स्टोर कर लेंगे इसके अलावा वेन एवर योर बाइंडिंग इज यू नो इट्स अ लॉन्ग टाइम हैज़ पासड सिंस यू हैव एक्चुअली यूज दैट आई पी टू हार्डवेयर ड्रेस बाइंडिंग तो दैट बाइंडिंग विल बी डिस्कार्डेड एंड दैट टाइम इज अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी मिनट्स स्टूडेंट्स ये टेम्प्रेरी ते Storage that will actually help us reduce the traffic on the network for these bindings to a large extent. Okay? The normal observation is that once you actually receive a binding, a computer sends a request and then receives a response for that specific binding for that specific address resolution. So, in the due period of that time, they will have to actually communicate with each other.

हमें क्या करना है कि हमें इस ARP मैसेज फॉर्मेट को देखा हमने हमने ARP के हार्डवेयर इनकेपलेन को देखा कैशिंग को देखा हमने तो एक ज़रा चलते हैं और एक ओवरऑल ओवरव्यू लेते हैं कि हाउ यू एक्चुअली डील विद एन इनकमिंग ARP रिक्वेस्ट, हाउ आर कंप्यूटर डील्स विद दिस काइंड रिक्वेस्ट यानी वंस योर मशीन रिसीव एंड आर प्रक्वेस्ट वट आर द डिफरेंट स्टेप्स दैट यू कैन डू Students, let's go on to the slide and look at all these steps. And these steps will actually help us summarize and conclude this discussion of the address resolution protocol. So, students, the, the topic of the slide, as you can see, is processing an incoming ARP message. Students, steps, just as before, You that when you receive an ARP message, so protocol, the address resolution protocol, that specifies that the recipient or the receiver. इट इज सपोज टू परफॉर्म टू बेसिक स्टेप्स स्टूडेंट्स द फर्स्ट स्टेप इज दैट द रिसीवर विल एक्स्ट्रैक्ट द सेंडर एड्रेस एंड चेक टू सी इफ इट इज़ प्रेजेंट इन द कैशे अब स्टूडेंट्स ये वही कैशे है जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात की यानी रिसीवर जो है वो सबसे पहले सेंडर की एड्रेस बाइंडिंग जो है वो निकालेगा और ये चेक करेगा कि जिस सेंडर के लिए जो आपको बाइंडिंग की जरूरत है क्या वो कैशे में मौजूद है या नहीं इफ इट इज़ प्रेजेंट इन द कैशे इट विल स्ट्रेट अवे पुल आउट दैट बाइंडिंग एंड इट विल यूज द हार्डवेयर एड्रेस टू एक्चुअली सेंड अ मैसेज अब स्टूडेंट्स अगर ये बाइंडिंग कैशे में मौजूद नहीं है तो वट विल डू इज इट विल अपडेट इट्स कैशे अब स्टूडेंट्स देखें रिसीवर क्या करेगा कि जब उसके पास रिस्पॉन्स आएगा तो इट इट विल एक्चुअली एग्जामिन द ऑपरेशन फील्ड ऑफ द मैसेज एंड इट विल सी

So in that specific case, what happens is it will uh, look for the specific field inside that ARP response. And this means that a that host must have actually requested an ARP binding. That's why it has received a response. The response will say the corresponding recipient, the target, address binding, and it will use it to send all its messages. Students, this is how you actually perform the ARP request and response message, and this is how your machine deals with your incoming ARP message. Students, this to processing incoming aapke ARP message. So, ho, how do you actually process it? What are the steps that you can use, and how to see whether it is a request or a response? Hub students, last, we will actually go into the discussion of. लिटल बिट ऑफ आर लेयरिंग स्ट्रक्चर टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल सूट की बात करते हुए मैंने आपको यह बताया था कि पांच बेसिक लेयर्स आपके पास थी फिजिकल लेयर दट एक्चुअली डील्स विद नेटवर्क हार्डवेयर उसके बाद सेकेंड लेयर वॉज योर नेटवर्क इंटरफेस लेयर दट एक्चुअली डील्स विद सेंडिंग एंड रिसीविंग पैकेट तो स्टूडेंट्स एड्रेस रेजोल्यूशन इज बेसिकली नेटवर्क इंटरफेस लेयर कॉन्सेप्ट ड्रेस रेजोल्यूशन क्योंकि नेटवर्क इंटरफेस लेयर के ऊपर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो इट बेसिकली प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ कंसेप्चुअल हाइडिंग्स यानी के नेटवर्क इंटरफेस लेयर के ऊपर जितनी भी आपके पास हायर लेयर हैं दे वर्क विद द प्रोटोकॉल एड्रेसेस दे डोंट नो वट इज द कॉरस्पॉन्डिंग हार्डवेयर एड्रेस दट यू आर यूजिंग इन दैट स्पेसिफिक फिजिकल नेटवर्क द ओनली थिंग दे हैव टू डील विद इज द प्रोटोकॉल एड्रेसेज और द आई पी एड्रेस Of students ARP because it lies in the network interface layer. So that provides a conversion that provides an interface between the upper layer protocol addresses and the physical layer hardware addresses. Students slide ki hai, and let's look into this layering ARP and TCPIP structure into a little more detail. Students ke aapke paas, um, the slide says the layering address resolution protocol and द प्रोटोकोल एड्रेस और इस कॉन्सेप्ट में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यू हैव द एड्रेस रेजोल्यूशन डिवाइस ड्राइवर और इस केस में देखें कि आपके पास फिजिकल लेर में यू ओनली हैव अ नेटवर्क हार्डवेयर उसके बाद यू कैन सी द अपर लेयर्स द हायर लेयर्स ऑफ द प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर एंड देन यू कैन सी द एप्लीकेशन ओवर दैम तो एक जर्नल सा ये कॉन्सेप्चुअल हम लोगों ने यहाँ पर बना दी है एक कॉन्सेपचुअल सी बाउंड्री यहां पे मौजूद हैंट इज नोन एज प्रोटोकॉल एड्रेस बाउंड्री स्टूडेंट्स ये देखें कि इस बाउंड्री से जो ऊपर आपके पास सारी लेयर्स हैं दे आर बेसिकली यूजिंग द प्रोटोकॉल और द आईपी एड्रेसेस अब स्टूडेंट्स वट एवर इज बिलो दिस प्रोटोकॉल एड्रेस बाउंड्री इट यूज द हार्डवेयर एड्रेसेस स्टूडेंट्स ये वो कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यू आर डिवाइस ड्राइवर It basically works on the network hardware, but the actual ARP address resolution protocol. It's basically a network interface layer function, and it it basically details and allows generality in the upper layers by allowing them to use the protocol addresses, virtual addresses, and then corresponds to the corresponding hardware addresses on the physical layer. So, you have ARP interface layer जो मौजूद है उसकी जिम्मेदारी है कि ये ऊपर वाली लेयर्स को एक इस तरह का इस तरह की वर्चुअल सिनेरियो इस तरह की वर्चुअल विजिबिलिटी दे कि दे शुड नॉट वरी अबाउट द एक्चुअल फिजिकल हार्डवेयर एड्रेसेस, बट दे कैन गो हेड एंड यूज ऑल द प्रोटोकॉल एड्रेसेस दैट दे वांट। स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट द एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल आपने बड़ी डिटेल से मैसेज फॉर्मेट से लेकर मैसेज डिलीवरी तक और फिर कैशिंग का कॉन्सेप्ट और फिर हाउ डू एक्चुअली डील विद एन

कॉन्सेप्ट द डेटाग्राम कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट में आप एक्चुअली देखेंगे कि हाउ डू वी डील विद एक्चुअली राउटिंग द पैकेट्स इन एन इंटरनेट हम लोगों ने यह तो बात की हुई है कि दो मशीन्स के दरम्यान राउटर मौजूद है यू सेंड योर पैकेट टू द राउटर इट फॉरवर्ड्स इट टू द नेक्स्ट शॉप बट हाउ डज एक्चुअली द एक्चुअल राउटिंग टेक्स प्लेस दैट वी आर गोइंग टू सी स्टार्टिंग फ्राम द नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स आज बाकी टाइम में आइए ज़रा वापस चलते हैं आज के लेक्चर की जाने एंड लेट्स डिस्कस दिस होल बाइंडिंग एंड आर्ट थिंग इन द समराइजिंग प्रोसेस स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को हमने स्टार्ट किया विध टॉकिंग अबाउट द द समरी ऑफ द ड्रेस रेजोल्यूशन टेक्निक्स। डिफरेंट फीचर्स जो हैं उनको डिस्कस किया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने देखा कि वट आर द डिफरेंट ड्रेस रेजोल्यूशन टेक्निक्स इट एक्चुअली स्पेसिफिक नेटवर्क स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन दोज सेलेंट फीचर्स बेस्ड ऑन दोज नो द रेलिवेंट स्ट्रक्चर दैट वी वॉन्ट हमारे फिजिकल नेटवर्क की जो बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं उस पर डिपेंडेंट जितने हमारे पास फीचर्स हमें चाहिए बेस्ड ऑन दैट वी कैन एक्चुअली चूज अ स्पेसिफिक एड्रेस रेजोल्यूशन टेक्निक उसके बाद स्टूडेंट्स इस चैप्टर का जो बेसिक टॉपिक था उसको स्टार्ट किया दैट वॉज द आर्प और द एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल Students, I have told you that Address Resolution Protocol is basically present inside the TCP/IP protocol, and it can use any of the three different techniques that we have available to actually resolve the IP addresses into the Ethernet addresses. Students, so two basic type of messages, which your ARP protocol uses. The first one is a request carries an IP address to the recipient. The second one is a response that brings back the IP address.

दे हैव एक्चुअली क्रिएटेटेड इन टू अ जनरल फॉर्म सो दैट एनी फ्यूचर नेटवर्क टेक्नोलॉजी कैन यूज़ द सेम आर मैसेज फॉर्मैट उसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स आपने देखा और आपने ये देखा कि किस तरह से आप हार्डवेयर एड्रेस की टाइप आप प्रोटोकॉल एड्रेस की टाइप हार्डवेयर एड्रेस लेंथ प्रोटोकॉल एड्रेस लेंथ उसके बाद सेंडर का आई पी सेंडर का हार्डवेयर देन यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द टारगेट्स और द रेसिपियट्स आई पी address and the corresponding hardware address in it. Students, ARP uh, message ko kis tarah encapsulate karte into an actual uh, hardware frame. We have actually gone through that. Aapne dekha ke hardware frame ke andar, what you do is you place that whole ARP message inside the data area aap us hardware frame ki type field jo hai, you set it to actually tell the intended recipient that this is an ARP message and then you actually have to go into the actual ARP message to see whether the operation field is one or two to check whether it's a request or a response. So students, a overall view up in the how does a host or a computer deals with an incoming ARP request? ARP message how it actually checks whether it's a request or a response, then how does it actually responds to that ARP message? Students, in the last, we actually went through the layering structure, and we have that TCP/IP five layers. Of the second layer, which we have, network interface hardware layer. That is the layer where you actually implement where your ARP resolution protocol is actually present, and how it actually creates a virtual visibility for all the higher layers that are working with the protocol addresses to, to actually correspond or to convert them into the physical network addresses. तो so स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करेंगे um, जैसा मैंने पहले जिक्र किया इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट ओवर विद द न्यू चैप्टर एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ द डेटाग्राम्स द आई पी डाटाग्राम्स एंड द डेटाग्राम फॉरवर्डिंग एंड दोज डेटाग्राम्स आर एक्चुअली द पैकेट्स इनको हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल इंटरनेट में किस तरह से हम लोग जो है ये पैकेट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं एंड हाउ डज इट इज इट इज़ एक्चुअली फॉरवर्डेड फ्राम वन हॉप टू द अदर हाउ डज दिस राउटिंग टेक्स प्लेस स्टूडेंट्स अगले लेक्चर तक इजाजत दें खुदाफिज